नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 हफ्ते में मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी का सख्त संदेश, लापरवाह अफसरों की खैर नहीं। सीएम ने अफसरों की मांगी रिपोर्ट, लापरवाह अफसरों पर सीएम की नजर। राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर से सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए, साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वालों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, साथ ही 2 हफ्ते में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए। अफसरों पर गिर सकती है गाज, खराब प्रदर्शन करने वाले जिले के अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। कई अफसरों को जारी हो चुकी है कारण बताओ नोटिस, जिलाधिकारी से तहसील स्तर तक हो सकती है कार्रवाई। नामांतरण में कुशीनगर सोनभद्र का प्रदर्शन ठीक नहीं, पैमाइश में लखनऊ प्रयागराज रहा फिसड्डी। राजस्व वादों में महोबा चित्रकूट शामली फिसड्डी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व से जुड़े अधिकारी हरकत में आ गए। राजस्व परिषद चेयरमैन रजनीश दुबे ने हाल ही में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही पर राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उधर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधी मामलों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। जनता के कामों में फिसड्डी है जिले, रियल टाइम खतौनी में कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट और बलरामपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं। वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, मैनपुर और गोरखपुर में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का प्रतिशत काफी कम रहा। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी तैयार करने में गोरखपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, जौनपुर और गाजीपुर में धीमी गति से कार्य हो रहा है। उधर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधी मामलों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसी तरह वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, मैनपुरी और गोरखपुर में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का प्रतिशत काफी कम रहा। इन जिलों में करीब 50% ही अंश निर्धारण का कार्य हुआ। वहीं स्वामित्व योजना के तहत घरौनी तैयार करने में गोरखपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, जौनपुर और गाजीपुर में काफी धीमी गति से कार्य हो रहा है। इसके अलावा राजस्व वादों के निस्तारण में महोबा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत फिसड्डी रहे। राजस्व मामलों का क्या है हाल? राजस्व वादों के निस्तारण में महोबा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत फिसड्डी रहे। यहां 8,000 से अधिक मामले लंबित हैं। नामांतरण के मामले में लखनऊ, प्रयागराज, अमरोहा, फतेहपुर और सहारनपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं। धारा 34 नामांतरण में कुशीनगर, सोनभद्र, रायबरेली,
बलिया और अमेठी में पहले से सुधार हुआ, लेकिन निपटारे का प्रतिशत 95% से कम है। धारा 80 कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन। अयोध्या में 34, प्रतापगढ़ में 21, गोरखपुर में 12, कानपुर नगर में 10 और बाराबंकी में 7 मामले लंबित। सीएम योगी आदित्यनाथ आचार संहिता हटने के बाद अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। सीएम के एक्शन से अधिकारियों के काम करने में तेजी आ गई है और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।